अशोकनगर की लंबरदार मोहल्ले में रात के समय चोरों ने कतार बंद तीन घरों को निशाना बना दिया। चोर छत के रास्ते से घर में दाखिल हुए और तीनों घरों से 20 लाख से अधिक का सोना, चांदी और नगद रुपए पर हाथ साफ किया। घटना रात 1 से 2 बजे के बीच की बताई जा रही है। रात 1 बजे के बाद दो बाइक गली में आकर रुकी थी और वहीं काफी देर तक खड़ी रही थी। मंदिर वाली गली में कतारबंद तीन घरों में धावा बोला, जिसमें मेहरबान पाल के घर एक कमरे में छत के रास्ते दाखिल हुए। घर के सभी लोग सोते रहे और चोरों ने 20 तोला सोना, 3 किलो चांदी पर हाथ साफ कर दिया। सुबह जब नींद खुली और देखा तो घर का सामान बिखरा पड़ा था, सामान चोरी हो गया था, जिसके बाद पुलिस को बुलाया। इसी तरह सतीश ओझा अपने परिवार के साथ कमरे में सो रहा था। कमरे का दरवाजा खुला रह गया। सुबह जब उसकी नींद खुली तो कमरे में रखा बक्सा नहीं था। छत पर जाकर देखा तो बक्सा छत पर पड़ा था, वहां पूरा सामान बिखरा हुआ था। तीसरे पुरुषोत्तम के घर में भी चोर दाखिल हुए और सभी लोग सोते रह गए। तभी कमरे की अलमारी में रखी एक डोलची से 10,000 नगद रुपए उड़ा दिए। सभी ने सुबह कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जाकर स्थिति देखी। गली में कुछ दूर रात के समय कुछ लोग सीसीटीवी में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई। सभी घरों के लोगों का कहना है कि रात के समय किसी की भी नींद नहीं खुली, सुबह के समय ही सबकी नींदें खुली हैं।